ब्रांड नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल से मुलाकात करने उनके निज निवास पर पहुंचे। इस दौरान सिंधिया समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सिंधिया ने बाबूजी के घर जनता का दरबार लगाकर नेताओं से चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय इंदौर दौरे पर पहुंचे। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया, बड़ी गर्मजोशी से अपने चहेते नेता का स्वागत किया। इसी कड़ी में सिंधिया उनके समर्थक माने जाने वाले पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल से मुलाकात करने उनके निज निवास पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं का जैसे हुजूम उमड़ पड़ा, हर कोई सिंधिया के साथ सेल्फी लेने के लिए आतुर नजर आया। जनता दरबार लगाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। मैंने इनके पत्नी का बहुत आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इनके सेहत के लिए मैंने अच्छा व्यवहार वही मीडिया से चर्चा के दौरान सिंधिया ने कहा, इंदौर मालवा मेरा घर है, आज परिवार के लोगों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। यही नहीं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कहा कि मुझे आलाकमान का निर्णय मंजूर है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों के मुआवजे का भी आश्वासन दिया। मैं इंदौर आया हूँ क्योंकि मालवा और इंदौर मेरा स्वयं घर का क्षेत्र है। आज पूरा एक दिवस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है, मिलन है, जनता की आवाज़ शासन तक पहुँचे। और जो वर्तमान में मालवा एवं मध्य प्रदेश में एक प्राकृतिक विपदा के रूप में बाढ़ की का जो एक वातावरण बना है, उसका भी मैं जायज़ा ले रहा हूँ। मेरी यही आशा है कि हमारी जो कांग्रेस की शासन है, जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किया जाए, लोगों को सहायता राशि, ये सरकार नियम के आधार पर रेखांकित करेगी और जो सरकार का नियम है उसी के तहत शासन और मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को कह दिया है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसके तहत सहायता राशि। कुल मिलाकर सिंधिया का यह इंदौर दौरा प्रदेश अध्यक्ष से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सिंधिया ने महज इसे पारिवारिक दौरा करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।